स्पेन के बार्सिलोना से पिछले 7 साल से पदयात्रा कर दुनिया भर में अध्यात्म की तलाश करते जेवियर रतनपुर पहुंचे। पिछले 7 सालों में उन्होंने 50,000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की। भारत में सिख पंथ के प्रति गहरी रुचि के साथ आए जेवियर का रुझान कबीर पंथ की ओर बढ़ता चला गया। जेवियर के अनुसार संत कबीर से बड़ा दुनिया में कोई दार्शनिक नहीं, जिनके दर्शन और सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक रहे। भारत में कबीर पंथ पर बहुत कुछ अंग्रेजी में उपलब्ध न होने से उन्हें कबीरदास जी, गुरु परंपरा और उनकी रचनाओं की बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान उनकी भेंट राजेंद्र महंत जी और प्रेमदास से हुई, जिसके बाद उनकी राह आसान होती चली गई। 30 तारीख को जेवियर कबीरधाम के दामाखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कबीरदास जी के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर उनके अर्थ समझाए गए। कबीर के ग्रंथों के प्रति गहरी जिज्ञासा रखने वाले जेवियर उनकी रचना और सिद्धांतों से बेहद प्रभावित नजर आए। जेवियर ने कहा, कबीरदास जी ही दुनिया में सच्चे संत है, जिन्होंने जाति पाति अमीर गरीब से ऊपर उठकर एक नया फलसफा दुनिया को दिया। इस दौरान उन्हें संत कबीर और कबीर पंथ गुरु परंपरा की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। प्रथम गुरु चूरामन नाम साहेब धर्मदास जी साहेब के विषय में भी उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। हमारे बीच स्पेन से पधारे हैं मिस्टर जेवियर, पिछले 7 वर्ष से इंडिया में भ्रमण कर रहे हैं और 15,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं। 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं और घूमते घूमते ये सिख पंथ पर काम कर रहे हैं। इन द मीन टाइम ये कबीर पंथ में काम कर रहे हैं। कबीर साहब के बारे में इनकी बहुत जिज्ञासा थी, तो ये फिर 30 तारीख को दामाखेड़ा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा पधारे और दामाखेड़ा में रह करके इन्होंने हमारे ग्रंथ देखे। इसके बाद बहुत प्रभावित हुए और मुझे बुलाया गया, फिर मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और समझाया सारे ग्रंथों के बारे में। फिर इनको कबीर साहब की हिस्ट्री और कबीर पंथ कैसे। बुधवार को वे रतनपुर पहुंचे, यहां से रतनपुर हाथी किला देखने पहुंचे, जहां की खूबसूरती से बेहद प्रभावित नजर आए। उन्हें ये भी पता चला कि कबीर पंथ के गुरु सुदर्शन नाम साहेब जी की रतनपुर कर्मभूमि रही, यहां उनकी समाधि भी है। तत्कालीन राजा और गुरुओं के संबंध की भी जानकारी पाकर वे हैरान रह गए। हे बंदगी साहेब, माय नेम इज जेवियर एंड आई एम फ्रॉम बार्सिलोना स्पेन। फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स आई एम डूइंग पदयात्रा। ड्यूरिंग माय पदयात्रा कोइंसिडेंटली आई केम टू नो अबाउट संत कबीर जी, सो दिस इज हाउ आई रीच टू रतनपुर फ्रॉम द दामाखेड़ा along with Dr. Rajender Mahanji and Mahant Premdas ji. They are both of them, they are giving me all the information about this Sant Kabir ji in Ratanpur as well as in whole India. I was really impressed and inspired by Sant Kabir ji's philosophy and ideology, and I feel that he was the true saint as well as the true philosopher to mankind and humanity, the person who never believed in religion, and he was the great soul of this nation. So God bless him, and I like to have some many blessings from him. So Sahib Bandagi Sahib. रतनपुर यात्रा के दौरान जेवियर मां महामाया के दर्शन करने भी पहुंचे। इसके बाद वे कवर्धा और धमधा भी जाएंगे। 36 forts, yes. Isn't it? Yes, 36. Which are the 34? Do you know 36 forts? Name all the names? No. At a time, I don't know, but I have a list. You have a list? Yes. Can I give you my number so you can forward me the list जी, of all? जी. Because this yes, is very yes. interesting because yes. I'm writing 18 a book. Fort... जो महानदी नॉर्थ एंड 18 फोर्ट्स महानदी साउथ। ओके द शोर यस शोर ऑफ द रिवर यस। सो इफ आई विल गिव यू माय नंबर इफ यू सेंड मी द लिस्ट ऑफ द ऑल छत्तीसगढ़ जी फोर्ट्स नेम यस यस दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कौन सा फोर्ट बचता जैसे इसमें रतनपुर फोर्ट यहां पे है छुरी छुरी कोरबा के पास ओके लाफागढ़ लाफागढ़ वहाँ भी एक देवी जी का मंदिर है ओके पहाड़ के ऊपर टॉप ऑफ द हिल यस ओके चंपा। आज भारत पश्चिम की ओर टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन सच है पश्चिम बहुत उम्मीद के साथ आज भी भारत की ओर देखता है। वो आज भी भारत को विश्व गुरु मानता है। ये जिज्ञासा जेवियर जैसे लोगों में सहज रूप से देखी जा सकती है। विडंबना ये है कि हमें अपने संतों को पहचानने के लिए पश्चिम के चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। कैमरामैन देव यादव के साथ रवि ठाकुर की रिपोर्ट।